नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईबैक्स स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपके लिए इतिहास का आधुनिक भारत का पार्ट लेकर आए हुए हैं, जो कि है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों का भारत पर कैसे आगमन होता है, किस देश के लोग हमारे यहाँ पहले आते हैं, फिर जैसे कि पुर्तगाली आए, स्पेन आए, खोजों का सिलसिला चालू हुआ, इसके बाद अंग्रेज आए, डच आए, तो ये सब एक एक करके आते गए और हमारे देश पर कैसे कैसे आ करके राज किया इन्होंने, ये सब के बारे में हम विस्तृत रूप से जानते हैं आधुनिक भारत के अंतर्गत। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपको आधुनिक भारत के क्लासेस की पहली क्लास। तो यहाँ पर आज हम पुर्तगालियों के बारे में जानेंगे कि पहले कौन आया। तो पहले पुर्तगाली हमारे देश में आए हुए थे। तो हुआ क्या कि एक ऐसा समय आया कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, जैसे ये पूरा एशिया का हिस्सा था, इधर एशिया था, इधर अफ्रीका और यहाँ पर इधर साइड यूरोप। तो जब यूरोप था, यहाँ पर भारत था, तो भारत का जो हिस्सा था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि भारत से पहले व्यापार चलता था, ये पोर्शन से, यहाँ से यूरोपीय व्यापार किया करते थे पहले समय में, पुराने में। तो होता क्या था, थली स्थल था, थल के द्वारा यहाँ से कर लेते थे व्यापार। तो बीच में अवरुद्ध आया, कई प्रॉब्लम्स आई, तो उन समस्याओं के कारण ये रास्ते इनके लिए बंद हो गए। तो जब रास्ते बंद हुए तो इन्होंने कहा कि क्या किया जाए। तो स्पेन, यहाँ पर एक दो देश पड़ते हैं, देखिए ये अफ्रीका के ऊपर, इधर पुर्तगाल और यहाँ पर स्पेन। इन लोगों ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा खोज करने का विचार किया कि ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ से सर्च करते हैं समुद्री रास्तों के द्वारा कि समुद्री रास्ते कहाँ से कहाँ बनाए जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ से यहाँ के लोग काफ़ी बाहर निकलना प्रारंभ किए, अपनी नावें लेकर निकलना प्रारंभ किए कि हम चलते हैं खोज करने के लिए। तो उस समय हुआ क्या कि पुर्तगाल और स्पेन वासियों ने, इन्होंने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ कर दिया एक तरह से। इसके बाद क्या हुआ कि पुर्तगाल के एक राजकुमार थे, पुर्तगाल के राजकुमार कौन थे, वो थे हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, हेनरी द नेविगेटर जो एक पुर्तगाल के राजकुमार थे, इन्होंने भौगोलिक खोजों को और आगे बढ़ाया काफ़ी। इनके द्वारा जब चालू किया गया, स्टार्ट किया गया, तो इन्होंने क्या किया, उसको बढ़ावा दिया। तो ये कौन थे जिनके द्वारा बढ़ावा दिया गया, हेनरी द नेविगेटर, पुर्तगाल के राजकुमार। अब क्या हुआ कि पुर्तगाल के वहाँ से जो नाविक थे वो निकलना चालू हुए। ठीक है, पुर्तगाल से नावें लेकर के। अब एक नाविक का नाम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बार्थोलोमियो डियाज। ये क्या थे, पुर्तगाल के नाविक। इन्होंने क्या किया कि उत्तमासा अंतरीप की खोज की। कब की, 1487 ईस्वी में, यानी 1487 ईस्वी में इन्होंने उत्तमासा अंतरीप। ये क्या था उत्तमासा अंतरीप, ये समुद्री रास्ता यहाँ से था, तो यहाँ पर बीच में इन्होंने एक अंतरीप की खोज की कि ये रास्ता है जहाँ से अफ्रीका, जैसे कि ये यहाँ पर अफ्रीका है। ठीक है, इधर भारत है, इधर से स्पेन से यहाँ से निकले, तो ये इधर जाने के लिए ये जो समुद्री मार्ग था पूरा, ये अटलांटिक महासागर का, यहाँ पर उत्तमासा अंतरीप इन्होंने किया कि इस रास्ते से हम यहाँ पे जा सकते हैं। तो इस रास्ते से उत्तमासा अंतरीप की खोज की, और इसको क्या कहा इन्होंने, तूफानी अंतरीप, एक इसको नाम दिया तूफानी अंतरीप। ठीक है, बार्थोलोमियो डियाज ने क्या कहा था, उत्तमासा अंतरीप को क्या कहा था, तूफानी अंतरीप। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। 1487 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी। अगले चलते हैं, एक थे कोलंबस। कोलंबस नाम आपने बचपन से ही सुना हुआ है कि अमेरिका की खोज की थी इन्होंने। तो अमेरिका की खोज करने का क्या मतलब, अमेरिका की खोज करने का मतलब, इनका पूरा नाम देखिए क्या था, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस थे, स्पेन के ये थे, कहाँ से, स्पेन के, जो मैंने अभी आपको बताया अफ्रीका के ऊपर पुर्तगाल के बगल में स्पेन देश है। तो स्पेन से निकले ये, और ये किस उद्देश्य से निकले थे, भारत की खोज करने के लिए। भारत की खोज का मतलब भारत के समुद्री रास्ते से भारत तक पहुंचने के लिए, कि वहां से, क्योंकि सोने की चिड़िया उस समय भारत कहा जाता था, तो यूरोप तक ये बात सब जगह फैली हुई थी कि भारत में सोने की चिड़िया है, भारत में बहुत सोना है। तो क्या करते थे वहां, मसाले जो थे यहाँ के, वो भी बहुत विश्व प्रसिद्ध थे, तो मसालों की व्यापार करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए वो वहां से निकले। लेकिन कोलंबस जब निकले तो यहां से अपनी नाव लेकर चले, और जब नाव लेकर चले तो इधर इनको पड़ गया उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका ये नाव से निकले तो पहुंच गए कहाँ, अमेरिका। जब अमेरिका ये पहुंच गए तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया, अमेरिका की खोज कर दी। और वो कब था, 1492 ईस्वी में इन्होंने क्या किया,
क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। ये रास्ते में अमेरिका मिल गए तो वहाँ पर ये रुक गए। अब 1498 ईस्वी में क्या हुआ, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कौन थे, पुर्तगाली थे। यानी ये पहली बार जो भारत आने वाले कौन थे, पुर्तगाली। यानी सबसे पहले भारत कौन पहुंचा, पुर्तगाली पहुंचे। कौन पहुंचा, वास्को डिगामा पहुंचे। ठीक है, वास्को डिगामा जो कि यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की इन्होंने खोज की 1498 ईस्वी में। ठीक है, ये आप जानते हैं इसके बारे में क्या। और ये आए कहाँ से, यही जो उत्तमासा अंतरिप की खोज की थी इसी के रास्ते। इसको और क्या कहा जाता है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप इसको बोला जाता है, उत्तमासा अंतरिप को। तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए ये कहां पहुंचे, भारत पहुंचे। भारत में पहुंचे कहां, तो भारत में, भारत का ये जो निचला हिस्सा था केरल के साइड, ठीक है, इधर साइड केरल में कालीकट में आए। ये कहां पर आए, इधर कालीकट में आए, कालीकट हिस्से पर भारत के पहुंचे। और ये कालीकट का एक बंदरगाह था उस समय। कौन सा बंदरगाह था, कप्पक डाबू, जिसका नाम क्या था, कप्पक डाबू। तो ये कप्पक डाबू पर इन्होंने क्या किया, अपना बेड़ा लगाया। ठीक है, जहां पर बेड़ा लगाया वहां उस कालीकट के निकट जो राजा रहते थे वो हिंदू राजा थे, एक हिंदू राजा थे। उनका नाम, उनकी जो जाति कह सकते हैं कि उनके जमोरिन कहा जाता था उनकी, उस समय जो पैतृक उपाधि थी उनकी, जमोरिन क्या थी, उनकी पैतृक उपाधि थी। तो कालीकट के जो राजा थे इन्होंने क्या किया, जमोरिन ने आ करके इनका भव्य स्वागत किया, किसका, वास्को डिगामा का स्वागत किया। और उन्हें व्यापार करने के लिए तमाम मसाले और तमाम इलायची का और जो भी मतलब यहाँ पे होता है, काली मिर्च ज़्यादातर क्या हुआ था कि काली मिर्च के लिए ये प्रसिद्ध है, तो काली मिर्च और मसाले इनको ले जाने के लिए आदेश दे दिया कि यहाँ से आप ले जा सकते हैं। तो जब आदेश मिल गया तो क्या किया, वास्को डिगामा ने हेक्टर नामक जहाज, उसका जहाज क्या था, एक हेक्टर नामक जहाज था, ठीक है उसके पास। तो अपने हेक्टर नामक जहाज में क्या लिया था, काली मिर्च। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो काली मिर्च क्या लेकर गए, काली मिर्च को प्रसिद्ध माना गया क्योंकि काली मिर्च और मसाले लेकर ये क्या किया, अपने देश को वापस चले गए। ठीक है, जब वापस गए तो हुआ क्या कि काली मिर्च को ले जाकर जब वहां पर इन्होंने बेचा, व्यापार किया उससे, तो इनको वहां पर 60 गुना, कितना 60 गुना, यानी कि जो आए आने में जितना भी खर्च हुआ, इनका पैसा लगा, रुपया लगा, जो भी खर्च हुआ इनका, उससे 60 गुना लगभग अधिक इन्हें प्रॉफिट हो गया। तो इतना बड़ा प्रॉफिट जब हुआ वास्को डिगामा को, तो ये वहां पर एक इस चीज की बात फैल गई कि वहां से जो भी चीज हम लेकर आएंगे यहां से बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। तो सबके मन में आया कि हम व्यापार करते हैं भारत से। तो व्यापार करने के लिए फिर वहां से एक 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज केब्राल, क्या नाम सेकंड है, पेड्रो अल्वारेज केब्राल, इसको नाम याद करिए। ये दूसरे पुर्तगाली थे, कौन से थे, दूसरे पुर्तगाली थे जो भारत पर आए थे। किस ईस्वी में आए थे, 1500 ईस्वी में। यानी 1498 में कौन आता है, वास्को डिगामा, और 1500 ईस्वी में कौन आता है, ये आते हैं पेड्रो अल्वारेज केब्राल। इसके बाद फिर से दोबारा आए थे वास्को डिगामा, लेकिन देखिए उसके बाद हुआ क्या, 1503 ईस्वी की बात अगर हम करें तो 1503 ईस्वी में फिर इसके बाद वहां से कई लोग आए और उन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों ने अपनी 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली। कोचीन कहाँ थी, केरल में। तो केरल में इन्होंने कोचीन में 1503 ईस्वी में एक अपनी फैक्ट्री किस चीज़ के लिए, व्यापार करने के लिए, कि यहाँ से हम व्यापार करेंगे और अपने देश में क्या करेंगे, भेज देंगे माल बना करके, ठीक है, वहां पर बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। तो यहां से पहली फैक्ट्री इन्होंने क्या किया, कोचीन में। यानी उद्देश्य क्या था, व्यापार करना, जो भी आ रहे थे व्यापार करना। दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में इन्होंने कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। कहां पर स्थापित की, कन्नूर में। कन्नूर कहां पर है, केरल में। तो ये भी केरल में है, ठीक है। तो कोचीन, केरल, 1503 और 1505, यहाँ पर दो फैक्ट्रियाँ स्थापित की। तो अब देखिए कहानी कैसे बनी, अभी इतनी दूर तक की फिर से एक बार बात कर लें कि हेनरी नेविगेटर पुर्तगाल के राजकुमार थे, इन्होंने भौगोलिक खोजों के लिए आगे बढ़ाया पुर्तगालियों को और स्पेन वासियों को। तो पुर्तगाली आए, स्पेन वासी आए, ये बार्थोलोमेओ डियाज थे जो पुर्तगाल के नाविक थे, इन्होंने उत्तमासा अंतरिप की खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस जो स्पेन के रहने वाले थे, इन्होंने भारत खोज करने के रास्ते के आते समय इन्होंने अमेरिका खोज कर दी 12 अक्टूबर 1492
92 में वास्को डी गामा यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, कब 1498 ईस्वी। कालीकट का बंदरगाह कप्पा डाबू और कालीकट का बंदरगाह यानी कि वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर आए, बंदरगाह का नाम क्या था, कप्पा डाबू। और हिंदू राजा जमोरिन ने क्या किया था, स्वागत किया था। हेक्टर नामक जहाज से काली मिर्च लेकर के और मसाले लेकर के क्या किया, ये वास्को डी गामा वापस अपने देश चला आया। वहाँ पर इसने क्या किया, बेच दिया, जिस पर 60 गुना इसको खर्च निकालने के बाद भी 60 गुना प्रॉफिट हुआ। पेड्रो अल्वारेज केब्राल थे जो 1500 ईस्वी में आए, ये दूसरे पुर्तगाली थे जो भारत आए हुए थे। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली और 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। अब चलते हैं आगे वायसराय के विषय में। तो वायसराय के विषय में हम आगे बताएंगे आपको, वायसराय कौन थे, तो फ्रांसिस्को डी आल्मेडा। फ्रांसिस्को डी आल्मेडा 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक पुर्तगाली वायसराय थे। ये कौन थे, प्रथम पुर्तगाली वायसराय। जब यहाँ पर व्यापार होना शुरू हो गया, व्यापार की आगे गतिविधि चलने लगी, तो क्या किया पुर्तगालियों ने कि वहाँ से जो राजकुमार थे उन्होंने क्या किया कि एक वायसराय को भेजा भारत पर। वायसराय किस लिए भेजा, एक स्थापित करने के लिए, व्यापार को अच्छे से कार्य करने के लिए कि वहाँ से अच्छे से व्यापार हो जाए। हमारी एक पहले से ही फैक्ट्री बन चुकी थी, दो यहाँ पर मैंने बताया था अभी कि फैक्ट्रियाँ बन चुकी थी कोचीन पर, कन्नूर पर। तो अब वहाँ से फ्रांसिस्को डी आल्मेडा, नाम आप अच्छे से याद करिए, फ्रांसिस्को डी आल्मेडा, फ्रांस से याद कर लीजिए, डी आल्मेडा, आल्मेडा, ठीक है। 1505 ईस्वी में कब आई है, 1505 ईस्वी में पहले पुर्तगाली थे जो भारत पर आए थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है, ब्लू मतलब नीला, वाटर जल पॉलिसी यानी शांत जल। ब्लू वाटर का मतलब क्या हुआ, शांत जल, ठीक है। शांत जल की नीति अपनाई, मतलब कि इन्हें सिर्फ व्यापार करना था, शांति से ही अपना व्यापार करना चाहते थे, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, शांति से व्यापार किया और अपना काम व्यापार में करते हुए निकालते थे। तो ये ऐसे इन्होंने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी का अपनाया। ये क्वेश्चन बनता है कि किसने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था, तो फ्रांसिस्को डी आल्मेडा थे और ये कौन थे, पुर्तगाली थे। अब 1508 ईस्वी में क्या हुआ, देखिए ये शांति से अपना काम कर रहे थे, 1505 में किया, 6-7 चलता रहा। 1508 ईस्वी में हुआ क्या कि संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा, एक ऐसा था संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा था, कौन, जिसमें गुजरात शामिल था, मिस्र शामिल था और तुर्की देश शामिल था। इन तीनों जगह के मुस्लिम नौसैनिक जो थे, इनका एक बेड़ा था संयुक्त रूप से आया और क्या किया, इनसे युद्ध करने के लिए, फ्रांसिस्को डी आल्मेडा से युद्ध करने लगा। हुआ क्या, ये कहाँ पर युद्ध हुआ था, तो चौल के समीप युद्ध हुआ था, ठीक है, चौल के समीप युद्ध हुआ। और ये इस पहले युद्ध में ये क्या हुए, पराजित हो गए, फ्रांसिस्को डी आल्मेडा क्या हुए, पराजित हो गए। लेकिन तब भी वो रहते रहे किनारे संधि के अनुसार, ठीक है अपना। इसके बाद 1509 ईस्वी में फिर से इन्हीं के साथ दोबारा इनका युद्ध हुआ और जब दोबारा युद्ध हुआ तो ये वहाँ पर क्या हुए, विजयी हो गए, ठीक है। तो 1509 ईस्वी में ये विजयी हुए और इसके बाद 1509 ईस्वी तक ये रहे, उसके बाद ये वापस अब चले गए। और 1509 ईस्वी में ये विजयी होने के बाद दूसरे भेजे गए, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क, नाम यहाँ से देखिए, अल्फांसो और यहाँ पे फ्रांसिस्को डी आल्मेडा, कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यहाँ पर आ और आ से शुरू है, अल्बुकर्क याद कर लीजिए, यहाँ पर फ्रांसिस्को से शुरू है, ठीक है। तो दो नाम अलग अलग हैं, कन्फ्यूजन मत रखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पर वायसराय का काम संभाला और इनकी नीति थोड़ा अलग थी। तो इन्होंने क्या किया, इस समय क्या कहा गया, पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक इनको कहा गया, ठीक है। वास्तविक संस्थापक किसको कहा गया, अल्बुकर्क को, क्यों, क्योंकि ये ब्लू वाटर पॉलिसी नहीं मानते थे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी माना तो ये शांति से अपना काम कर रहे थे। तो इस वजह से देखिए संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े से युद्ध हुआ, इनको युद्ध करना पड़ा। और अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया, ये इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाना चालू किया कि कहाँ कहाँ हम और बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से चालू हुई इनकी और बढ़ने की शक्ति। 1510 ईस्वी में 9 में आए, 10 में इन्होंने क्या किया कि बीजापुर के आदिल शाही यूसुफ सुल्तान थे, ठीक है, आदिल शाही यूसुफ सुल्तान जो बीजापुर के थे, इनको इन्होंने हरा दिया और गोवा पर क्या किया, विजय प्राप्त कर ली, गोवा अपने कब्जे में कर लिया, किसने किया, अल्बुकर्क ने। और देखिए गोवा आपको भी पता है कि आज़ादी के बाद
कितने 61 में आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद तक इन्होंने राज किया, लगभग 450 साल पुर्तगालियों ने ही गोवा पर राज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर गोवा विजय, ठीक है, गोवा विजय कहा गया और गोवा पर विजय प्राप्त कर ली किससे, आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से। आगे हैं विजयनगर, इसके बाद देखिए 1510 में ये काम किया, 9 में हुआ, 10 में आए, 10 में ये काम किया। आगे इन्होंने विजयनगर के एक शासक थे उस समय, कौन थे, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक, एक विजयनगर का चैप्टर पढ़ता है इतिहास में, उसको भी आप जब पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा। तो कृष्णदेव राय उस समय क्या थे, वहाँ के शासक थे। उनसे क्या किया इन्होंने, भटकल में, भटकल जगह थी वहाँ पर एक किला बनाने के लिए इनसे आज्ञा प्राप्त कर ली, आज्ञा मांगी कि हमें एक किला बनाने का आज्ञा दे दीजिए। तो इन्होंने, कृष्णदेव राय ने इनको अल्बुकर्क को एक किला बनाने की आज्ञा प्रदान कर दी। इसके बाद हुआ क्या, 10 में देखिए क्या हुआ, इन्होंने गोवा प्राप्त किया। 11 में इन्होंने मलक्का पर नियंत्रण कर लिया। अब ये मलक्का कौन सी जगह थी, तो मलक्का एक मंडी थी दक्षिण एशिया की, दक्षिण एशिया की एक बड़ी मंडी थी जिस पर क्या किया इन्होंने, कब्जा कर लिया और इस पर पूरा नियंत्रण किसका हो गया, अल्बुकर्क का हो गया, यानी पुर्तगालियों का हो गया। 1511 में ये किया। इसके बाद कई ऐसे चर्चे आए इनके, कई जगह इन्होंने कब्जा किया कि इन्होंने देखे पुर्तगाली आबादी बसाना चाहते थे ये, तो पुर्तगाली आबादी बसाने लगे। इन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे क्या करते हैं, अपनी आबादी भी बसाएंगे। तो आबादी बसाने के लिए इन्होंने कहा कि जो लोग हैं ये भारतीय स्त्रियों से विवाह करने लगे, भारतीय स्त्रियों से विवाह करें और अपनी आबादी बसाने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हुआ क्या, होर्मुज का किला एक है, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी था, फारस की खाड़ी कहाँ पड़ता है ये, जैसे कि ये भारत है, भारत के बगल में ये अफ्रीका है, अफ्रीका के बगल से ये, यहाँ से जो ये रास्ता बना है यहाँ पर बोला जाता है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। तो इसके यहाँ पर एक जगह थी होर्मुज, क्या था, होर्मुज, होर्मुज, ठीक है, होर्मुज। इस जगह पर इन्होंने क्या किया था, कब्जा कर लिया था, यहाँ पर भी इनका कब्जा हो गया था, किसका, अल्बुकर्क का, यानी अल्बुकर्क ने इतना अपना चारों तरफ विस्तार किया था कि इस पर हर जगह कब्जा करता गया। ठीक है, इसके बाद 1515 ईस्वी में, इतना कब्जा करने के बाद 1515 ईस्वी में इसने गोवा में एक सेंट जेवियर चर्च, कौन से निर्माण की थी, सेंट जेवियर चर्च का निर्माण करवाया था, जो कि सेंट जेवियर चर्च काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, सेंट जेवियर चर्च कराया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा, अपने यहाँ पर जिस एरिया पर थे वहाँ पर सती प्रथा पर रोक लगवा दिया था, सती प्रथा को निषिद्ध कर दिया था कि सती प्रथा नहीं माना जाएगा। ठीक है, नहीं करने देते थे, तो ये उस पर रोक लगाया था। और 1515 ईस्वी में ही, इसी 1515 ईस्वी पर अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 1515 के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अलग अलग वायसराय आते रहे। तो ये वीडियो हम यहीं तक समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इसके बाद और भी वायसराय आए, नूनो डी कुन्हा आए, ठीक है, और भी दो तीन वायसराय आते रहे अलग अलग टाइम पर, तो उनके बारे में बाद में बताएंगे। अभी हम इसको वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क के बारे में, यहाँ पर पुर्तगालियों के बारे में बताया था। ये आपका पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम इसके आगे सीधे से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।